सो गाइस हम ले घूम के आ गए दोबारा अपने रूम पे। यो चलो चलते हैं नीचे खाना खाने। ये एवरीबॉडी मैंने कुछ नया ट्राई किया है, चलो चलते हैं। बहुत हो गया, इतने में इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस अभी अपनी सुबह हो रही है ले में और आज है यहाँ पे अपना 10वां दिन। और ये रही अपनी KTM 390 एडवेंचर और तेज भाई की BMW GS 1200। सो गाइस 10 दिन हो चुके हैं, पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे निकल गए, लेकिन इसी 10 दिनों में मुझे काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि भाई अपनी ये इतनी लॉन्ग ट्रिप फर्स्ट थी, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप हमने गोवा की थी, आपको पता होगा। सो इसी 10 दिनों में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, नए नए रूट, नए नए रोड, नए नए एक्सपीरियंस, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट, कई जगह रुकना, कई जगह, काफ़ी सारी जगह आपको पता है। कई जगह हमने स्टे किया, मनाली स्टे किया, चंडीगढ़ स्टे किया। तो इसी सारे 10 दिनों में भाई काफ़ी कुछ नया नया एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, लेकिन सच कहूँ मज़ा काफ़ी आया। ये वाली ट्रिप अपनी बहुत ही यादगार रहेगी और एक अलग एक मेमोरी अपनी बन जाएगी। और जब कभी भी वीडियो देखने का मन होगा यूट्यूब पे देख लेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं, सुबह के 9 बजे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ले पैलेस। लेकिन देखते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट का कुछ करना पड़ेगा, तो ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम जाएंगे ले पैलेस। तो चलिए चलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सारे दोस्तों में शेयर, और यार कमेंट्स भी जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर शो हो रही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट होता है और फिर उसके बाद चलेंगे ले पैलेस। चलिए चलते हैं। और देख लो, ये है अपनी होटल जो आपको दिख रही है, होटल याकटेल। अब मास्क पहन लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी तक तो मास्क नहीं पहना था, लेकिन अब पहन लेना पड़ेगा। देखिए सुबह सुबह बाहर निकलना यार काफ़ी फ्रेश लगता है, क्योंकि ये जो धूप निकलती है तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है रूम में। और रात के दौरान तो भाई ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप में निकलने से। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ब्रेकफास्ट का प्लान, और उसके बाद ले पैलेस। और ले पैलेस के बाद भी पता नहीं अगर टाइम किस तरह का हमारा होता है, उसके बाद हम दूसरी जगह भी शायद जाने वाले हैं। चले पहुँचते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पराठा खा के मैं पराठा जैसा ना हो जाऊँगा, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों से पराठा चल रहा है। वैसे काफ़ी दिनों से पनीर चल रहा था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो थोबड़ा है वो बिगड़ गया था, जो मोटा है हमारा उसका टेस्ट ख़राब हो गया था पनीर खा के। तो अभी ब्रेकफास्ट में पराठा खाया है, तो पराठा जैसा ना हो जाऊँ यार। और अभी हम वैसे जो ले पैलेस है वहाँ पे जाने का रास्ता भी है, बाइक लेकर जा सकते हैं, लेकिन तेजस भाई बोल रहे हैं कि बाइक लेकर नहीं, भाई पैदल चलते हैं, क्योंकि वैसे भी बाइक लेकर तो भाई घूमते ही रहते हैं ना, और वैसे भी रिटर्न जाएंगे। सर ये भी ले लीजिए कि बहुत फेमस है पेंटिंग्स का यहाँ तो। और यहाँ पे देखो भाई ये पेंटिंग्स बहुत ही बढ़िया है। सो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही बढ़िया मिलती है। अगर आप मतलब कहा हम क्या है भाई बाइक लेकर आए, तो बाइक पे ये सब ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक तो वैसे भाई हमारा इतना सारा सामान और ये सारी चीज़ें बहुत ही संभाल के ले जानी होती है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, अगर कोई टूट गया, ख़राब हो गया, तो चीज़ें ख़राब हो सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, पैदल चलने का भी मज़ा कुछ अलग होता है, चाहे सांस फूले। और ये रास्ता देखो कैसी जगह से रास्ता जा रहा है। ओ भाई साहब, रास्ता तो बहुत बढ़िया है यार। ये देखो, ओ माय गॉड, मैं आपको पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, रास्ता देखो एक बार, कहाँ होता होगा, कहाँ से जा रहा है। ये देखो तेज भाई की भी सांसें फूलने लगी है, लेकिन भाई साहब रास्ता देखो क्या मज़ेदार रास्ता है। सच में यार, सच कहूँ मज़ा बहुत आ रहा है। ओ भाई साहब, वो रहा ले पैलेस, अभी असली मजा। देखो पानी पी रहे, क्या कह रहे तेज भाई, अब है असली मजा, अब है असली हमारी चढ़ाई,
क्योंकि वो रहा ले पैलेस और वहाँ तक हमें चढ़ना है। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आए तो वहाँ तक भी पहुँच ही जाएंगे। उसका भी मजा ले लेते हैं। वो तो है ही भाई, आते हैं तो हर तरह का एडवेंचर करना चाहिए। देखो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ जो तेज भाई जा, वो देखो वो रहा ले पैलेस। ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये है ले पैलेस। कोई भी खूबसूरत चीज देखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। ऊपर पाछा व्यू बताओ, ऐसे चढ़ जाओ ना। अभी ऊपर तो आ चुके हैं, अब मैं आपको यहाँ से जो पीछे का नज़ारा है वो दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, एक बार पीछे का नज़ारा देखो, क्या खूबसूरत नज़ारा। और वहाँ पे जो पहाड़ उस पर बर्फ़ भी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो क्या नज़ारा लग रहा है गाइस, बहुत ही खूबसूरत और एक अलग ही दुनिया। देखो एक बार, इसी बात पे एक लाइक तो बनती है। चलिए अभी थोड़ी बहुत चढ़ाई तो हो चुकी है, देखो वहाँ से यहाँ तक तो पहुँच चुके, अब ऊपर जाना है। चलिए चलिए चलते हैं। हिम्मत है, मदद तो मदद है खुदा, हम हिम्मत करेंगे तभी तो भाई अपना भगवान भी भाई थोड़ी सी हेल्प करेगा। अगर आप सोचोगे कि खाना तो मम्मी ने बना दिया और मुंह में भी आ जाए तो अच्छा, तो ऐसा थोड़ी होगा भाई, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। है हाँ, देखो खाना पहले लेना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, उसके बाद चबाना भी पड़ेगा, बिना चबाए थोड़ी खाना जाएगा भाई साहब। ओ माय गॉड गाइस, और ऊपर आए नज़ारा देखो, एक बार दोबारा से बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस नज़ारा, ये है असली जन्नत। अगर आप जन्नत फील करना चाहते हैं तो लद्दाख आइए, और ये जो नज़ारे है उसे एंजॉय कीजिए। ये है पूरी नीचे में ले सिटी, देखो भाई एक बार नज़ारा देखो, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस अब ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है, और ये रहा ले पैलेस, तो चलिए चढ़ते हैं। तो गाइस ले पैलेस में मुझे अभी तेज भाई ने बताया है कि शायद पता नहीं कैमरा हमें अंदर ले जाने देते या नहीं ले जाने देते, वो तो अब देखते हैं। कोशिश पूरी पूरी करेंगे हम आपको वीडियो में दिखाने की। और यहाँ पे भी भाई हमने कुछ नहीं, काफ़ी बढ़िया से फ़ोटोज़ खींचे हैं, तो सारे फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगे अपने इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना, आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है। सो अभी तो चढ़ते चढ़ते काफ़ी आ चुके हैं हम, अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, अब कहाँ जाना है भाई साहब। चाहे कैसी भी मुश्किलें आओ हम सामना करने के लिए एवर रेडी। और ये देखो यहाँ पे एक दरवाज़ा है, तो ये हम दरवाजे से अंदर घुस गए, और यहाँ पे दोबारा से सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ चढ़े जा रहे। देखो थक गए हम तो, इतने में ऐसा लगा जैसे पावागढ़ चढ़ गए हो। पावागढ़ चढ़ते भी भाई इतना तो नहीं थकते है, वो भी भाई चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही थकान है। एक तो ऊपर से वैसे ही थोड़ा सा मास्क पहनना होता है, ऊपर से
सांस लेने की थोड़ी बहुत दिक्कत, तो टफ है, लेकिन हम कहते हैं ना एडवेंचर लवर, उसके लिए हमेशा ही साथ लेकर चलते हैं और उसी का ही सामना करते हैं। सो गाइस, ले पैलेस हमने घूम लिया है और अंदर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था, तो मैंने कुछ थोड़ी बहुत से फ़ोटोज़ खींचे हैं, तो मैं वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना ज़रूर। तो अभी जो आप ये वीडियो जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं वो सारी अंदर की ले पैलेस की है, और ये जो ले पैलेस है ये जो पुराने ज़माने में जैसे मिट्टी और जो पत्थर को लेकर बनाते थे उसी तरीके से बनाया गया है, और कुछ सालों पहले भाई ये करीबन मतलब थोड़ा सा टूट भी गया था, तो उसको थोड़ा सा मरम्मत करके दोबारा से जैसे रिनोवेशन करके इसको दोबारा से बनाया गया। आपने ऊपर रहते ही फ्लाइट देखा था आपने ना, लैंड था था जो आपने ऊपर रहते आपने देखा था लैंड था था ये। सो इस तरीके से ये जैसे पुराने ज़माने का सिर्फ मिट्टी और पत्थर से ही पूरा ये जो पैलेस है बनेगा, करीबन 8 से 9 फ्लोर है, मतलब इतना ही पैलेस 8 से 9 फ्लोर भाई साहब। और हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे 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 काफ़ी कुछ देखने को मिला, पुराने जो ज़माने का जो सब कुछ होता है वैसे। तो थोड़ी बहुत से फ़ोटोज़ खींचे है, आप देख ही रहे हैं वीडियो पे। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, अब पता नहीं अब यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, वो तो फिलहाल अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, जो भी पता होगा वो अपने जो तेजस भाई है उन्हें ही पता होगा। लेकिन सच कहूँ यहाँ पे घूमना काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो गाइस यहाँ के रास्ते देखो, सो गाइस अभी यहाँ पे एक छोटी सी टनल आ गई है, हम दूसरे रास्ते से आए क्योंकि हर रास्ता एक नया एक्सपीरियंस देता है। और यहाँ पे देखो एक छोटी सी टनल, और अगर आप ले आते हैं और अगर आप ले पैलेस में जाना चाहते हैं तो आपको 25 रुपीज पे करना पड़ेगा पर पर्सन। सो 25 रुपीज पर पर्सन आपको ले पैलेस में एंट्री के लिए लगता है, और रास्ता आपको मज़ा भी आएगा, कुछ अलग ही लगेगा यार, जैसे आप काफ़ी पुरानी जैसे मंजिल कह लो पैलेस कह लो ऐसे इसी जगह पे आप आ चुके हो ऐसा ही आपको लगेगा।